पश्चिम नागपुर नागरिक संघ के तत्वाधान से आगामी 1 अक्टूबर को वैश्विक ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया जाए, जिसके विषय में जानकारी दी संस्था के अध्यक्ष रवि वाघमारे ने। दरअसल 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में आगामी 1 अक्टूबर को सुबह 6:30 पर रामनगर स्थित श्री राम मंदिर से वॉकथॉन होने का आयोजन किया गया है, जिनका पंजीकरण 23 सितंबर से 27 सितंबर तक शुल्क ₹50 देकर ज्येष्ठ नागरिक कर सकते हैं। गौरतलब है कि वॉकथॉन समाप्ति के बाद सहभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाने वाला है। इस पूरे विषय में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष रवि वाघमारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहभागी होने का प्रतिपादन ज्येष्ठ नागरिकों से कहा। मैं रवि वाघमारे पश्चिम नागपुर नागरिक संघ का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे कार्यवाह है और हमारे संयोजन समिति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमने एक उपक्रम रखा है जो 60 के ऊपर के लेडीज और जेंट्स हैं उनके लिए चलने का उपक्रम। 1 तारीख को जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन रहता है, उसके उपलक्ष्य में पश्चिम नागपुर नागरिक संघ बीते 14 साल से ये उपक्रम कर रहा है। पिछले साल इसमें 850 के करीब लोग आए थे। 2 साल कोरोना की वजह से हुआ नहीं था, लेकिन पिछले साल बड़ा अच्छा उसको रिस्पांस मिला। यदि आप लोगों को बताते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। 23 सितंबर से 27 सितंबर तक शाम 5:30 से 7:30 यही राम मंदिर में ₹50 देके रजिस्ट्रेशन करना है। एक फॉर्म भरना है, उसके आपका आधार नंबर डालना है। फॉर्म भरना और आधार नंबर देना और रजिस्ट्रेशन फीस ये 27 तारीख तक चलेगा। स्पॉट एडमिशन हम उसके वक्त नहीं ले सकते, क्योंकि बाद में उसके साथ जो एम्बुलेंस लगती है, बाकी व्यवस्था रहती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और जितने भी सहभागी हैं हम सबको यहाँ पे पुरस्कृत करने वाले हैं। जो 85 के ऊपर के हैं उनको डॉक्टर शेखर राजदरकर MD ये मार्गदर्शन करेंगे और उनका 8 से 9 बजे तक यहाँ पे विशेष रूप से सत्कार होगा। हमारे योगाभ्यासी मंडल के योगाचार्य रामभाव जी खांडवे, प्रसिद्ध अधिवक्ता आनंद जी परचूरे ओटावर जी और आयुष के अभी जो डॉक्टर आए थे डॉक्टर सूर्यवंशी, ये लोग झंडी दिखा के इस उपक्रम का प्रारंभ करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ने के लिए हमें मदद कीजिए। पुरस्कार हम उन लोगों को, एक तो अभी इनकी तरफ से च्यवनप्राश दे रही है बोलते, कुछ उनको नमकीन के पैकेट्स भी देते, और मंदिर की तरफ से हम उनको एक ऐसी, जिसको हम मोमेंटो बोल सकते हैं, ऐसी गिफ्ट देते हैं और सबको देते हैं, तो उनमें उनको दौड़ने की जरूरत नहीं है। नागपुर से BCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष की रिपोर्ट।